हेलो, मैं डॉक्टर विनय। आज आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट पेपर लेकर आए हैं जो कि बीसीएस सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए जो है मेन एग्जाम में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। यह बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट जेडबीसी वालों के लिए जिनका पेपर होता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। देखिए, पेपर का जो है पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। कह सकते हैं कि वेरिएशंस जो है हमें देखने को उसमें जो है कंटिन्यू मिलते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लास्ट पेपर जैसे कि जो है आया था, उसमें जो है थ्री पोर्शन दिए गए थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो कि 10 होते हैं और 2 मार्क्स ईच होते हैं, यानी कि 20 मार्क्स के जो है वह वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और सेकंड में जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 15 मार्क्स का होता है, जो कि आपको 2 करने होते हैं, तो यानी कि 30 मार्क्स ये हो गए। एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, ऑप्शनल होता है, 3 3 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसमें से एक करना होगा। वही शॉर्ट में भी जो है 5 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, इसमें की जो है वह 2 करने होंगे या 4 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। तो वह 25 मार्क्स का होता है जो कि लॉन्ग होता है क्वेश्चन, तो टोटल मिलाकर के जो है वह 75 मार्क्स का होता है मैक्सिमम मार्क्स। ये माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है वह उसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह प्रीवियस पेपर्स पर जो है वह वेस्ट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि इस पेपर में से जो है आपको जो है मेन एग्जाम में क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जैसे कि है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो यह क्वेश्चन जो है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है अक्सर पूछा जाता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में लिखेंगे पहले तो, और उसके रेंज लिखेंगे कि कितने जो है हम लोग जो है कितने पावर गुना जो है बड़ा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। उसमें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में भी जो है हम लोग लिखेंगे विद डायग्राम। सेकेंड आता है जैसे कि लॉन्ग में रिप्रोडक्शन एंड रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। यहाँ पर जो है हम लोग रिप्रोडक्शन या रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में जैसे कि कंजुगेशन हो गया, ट्रांसडक्शन हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये तीनों ही प्रोसेस विद डायग्राम हमको लिखना पड़ेगा लॉन्ग में। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वायरस में लाइफ साइकिल 2 टाइप की पाई जाती है, लिटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। तो यह जो है जैसे कि लिटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल जैसे कि हम मेरी यूट्यूब वीडियो पर पढ़ा हुआ भी है यूट्यूब पर, इसमें लाइसोजेनिक एंड लिटिक साइकिल के और रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया में कुछ टॉपिक जो है वह भी पढ़ा हुआ है, जैसे कि ट्रांसडक्शन के लिए पढ़ा हुआ है, आगे भी वीडियो डाल दी जाएगी। फोर्थ है कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ देगा लॉन्ग में कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन देयर शेप या फ्लैजेला की बेस पर जो है बैक्टीरिया का जो है स्ट्रक्चर लिखिए। तो उसमें जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, सिफेलोबैसिलस हो गया, या अगर शेप की बात करें तो मोनोकोकस हो गया, डिप्लोकोकस हो गया, इस टाइप से जो है कर्व बैक्टीरिया हो गया। तो वो बैक्टीरिया के टाइप विद डायग्राम आपको जो है शो करने होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है जो कि बहुत अक्सर पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी जो कि 11 क्लासेस में क्लासिफाई किया था एफटी फ्रिस, जिनको जो है फादर ऑफ एल्गोलॉजी भी कहा जाता है, तो उनके द्वारा जो है 11 क्लासेस में एल्गी को जो है क्लासिफाई किया गया जैसे मिक्सोफाइसी। यह भी जो है वीडियो पड़ा हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखिए क्लासिफिकेशन जो है मोस्टली जो है पूछा जाता है आपसे, हो सकता है कि एल्गी का पूछ दे या फंजाई का पूछ दे, लेकिन पॉसिबिलिटी रहता है कि एक क्वेश्चन जो है आपको आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ, जैसे कि लाइफ साइकिल जो है कुछ एल्गी हैं हमारे सिलेबस में, उनमें से जैसे कि वॉलवॉक्स हो गया, कारा हो गया, एक्टोकार्पस हो गया, उसमें से वॉलवॉक्स जो कि जो है लास्ट ईयर जो है शॉर्ट नोट में जो आया था, तो चांसेस रहेगा कि
इस बार लॉन्ग विजुअल हो सकता है आपको दिखाई दे जाए, एक्टोकार्पस कारा या बॉल बॉक्स का, तो उसमें सेक्सुअल व असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पूछ सकता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन, लाइकेन जो कि जो है लास्ट ईयर जो है शॉर्ट नोट में पूछा गया था, तो लाइकेन और उसका रिप्रोडक्शन और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस टाइप से जो है क्वेश्चन आपको लॉन्ग में जो है मिल सकता है। बात करते हैं कि डिजीज साइकिल की, तो कुछ डिजीजेस दी गई हैं हमारे सिलेबस में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जैसे कि अर्ली या लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो में से जो है, जैसे कि पिछली बार लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आया था लॉन्ग में, तो हो सकता है इस बार अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो पूछ लिया जाए, या व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर या रेड रॉट ऑफ सुगर केन। रेड रॉट ऑफ सुगर केन लास्ट ईयर शॉर्ट नोट में जो है आ चुका है। हालांकि अब बात करते हैं कि शॉर्ट नोट में जो कि जो है 15 मार्क्स का जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि दो क्वेश्चंस करने होंगे और टोटल जो है 4 या 5 आपको जो है क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो जैसे कि शॉर्ट नोट में जो है ऑटोक्लेव हो गया, ऑटोक्लेव जो है वह जो है स्टरलाइजेशन की एक टेक्निक है जो कि जो है प्रेशर कुकर पर जो है बेस्ड है, एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर पर या कह सकते हैं कि स्टीम पर बेस्ड है। तो वह जो है उसका डायग्राम और जो है आपको जो है उसका शॉर्ट नोट के रूप में जो है उसे लिखना होगा। बात करते हैं सेकंड, यह है लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप में जो है जैसे कि शॉर्ट नोट में आपको डायग्राम बना देना होगा और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना होगा। नेक्स्ट जो है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जो कि जो है बहुत ज्यादा जो है पूछा भी जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह जो शॉर्ट नोट में जो है आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कोलोरीमेट्री। कोलोरीमेट्री जो है वह भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफी समय से ये पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है कि इस बार जो है आपके एग्जाम में दिखाई दे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, हो सकता है आपसे डिफरेंस पूछ दिया जाए, लॉन्ग में ही दो पार्ट बना दिए जाए, एक जैसे कि बोल दिया है डिफरेंशिएट इन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और एक कोई जो है और भी आपको शॉर्ट नोट दे दिया जाए, तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन जो है बन सकता है। नेक्स्ट है विरियॉइड्स। विरियॉइड्स के बारे में जैसे कि हमने जो है शायद यूट्यूब पर जो है मेरा पढ़ा हुआ है विरियॉइड्स के बारे में भी, तो वह भी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है जैसे कि प्रियॉन्स, जो कि जो है प्रोटीनियस इंफेक्शन मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि यह भी जो है वो शॉर्ट नोट के रूप में जो है आपको देखने को कहीं कहीं मिलता है। माइकोप्लाज्मा नेक्स्ट, जिसको पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यह भी एक सिग्निफिकेंट जो है वह शॉर्ट नोट है, जो कि जो है एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन से हो सकता है आपको जो है वेरी शॉर्ट नोट में भी जो है कुछ क्वेश्चंस जो है मिल जाए, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हो सकता है ये लॉन्ग में भी जो है आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी या फंजाई। देखिए बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पूछा जाता है एल्गी का, और कभी कभार जो है वो फंजाई का पूछ दिया जाता है। लास्ट ईयर जैसे कि एल्गी का पूछा गया था, तो चांसेस रहेगा कि इस बार हो सकता है कि फंजाई का पूछते या फिर से एल्गी का ही पूछते। नेक्स्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना या क्लास ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो इनके कुछ मेंबर्स दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, उन मेंबर्स को आप याद कर लीजिएगा। अगर उन मेंबर्स के बारे में अगर हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और एस्कोमाइकोटिना का कोई मेंबर दे दिया जाए उसके बारे में पूछ दे, तो वह है एस्कोमाइकोटिना के आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, क्योंकि वह उसी क्लास से बिलोंग करता है ये। हालांकि पिछली बार इसमें से जो है वह एस्कोमाइकोटिना का कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया था, इस बार भी जो है चांसेस रहेगा कि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है कॉच पोस्टुलेट्स। कॉच पोस्टुलेट्स एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है, जो कि जो है अक्सर देखने को जो है मिलता है, सकता है आपको जो इस बार भी आपको मिल जाए। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिटी या पैथोजेनेसिस। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है डिजीज कैसे होता है, क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, वह सारी चीजें जो है इसमें आ जाएंगी।
नेक्स्ट है बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या है कि जैसे कि मिट्टी को या वाटर को जो है कैसे प्यूरिफाई करना है, तो उसमें ये चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन। विटामिन के लिए भी जो है हमारे उसमें जो है सिलेबस में शॉर्ट नोट के रूप में जो है इस पर क्वेश्चन आ सकता है, चांस रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वजह से। नेक्स्ट है एंटीबॉडी या एंजाइम्स। एंटीबॉडी या एंजाइम्स जो कि लास्ट यूनिट में जो है हम लोगों के में है, ये सेवेंथ यूनिट में जो है आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पर पेपर में जो है वो एट यूनिट्स होती हैं, तो ये सेवेंथ यूनिट्स में जो है वह क्वेश्चन है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक बिवरेजेस, यानी कि जो पेय पदार्थ होते हैं अल्कोहलिक बिवरेजेस, उनके बारे में जो है इसमें हमको लिखना होगा। नेक्स्ट है बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर का मतलब यह है जो इंडिकेट करता हो, जैसे कि लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड का इंडिकेटर है, बेसिकली एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर भी जो है उसको कहा जाता है। जैसे कि फ्रेश वाटर का जो है वह एलगी है जो कि जो है बायो इंडिकेटर है। नेक्स्ट है वॉल्डेक्स मिक्सचर। वॉल्डेक्स मिक्सचर जैसे कि पेस्टिसाइड है या कॉपर सल्फेट कंटेनिंग जो है वह पेस्टिसाइड है, तो यह भी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वह शॉर्ट नोट हो सकता है आपके लिए। तो आशा करते हैं कि यह जो है क्वेश्चन पेपर में से आपको जो है वह 85% क्वेश्चन पेपर में से जो है इसमें से जो है टॉपिक मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये सारे ही टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।